नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। एक वीडियो पर अभी एक व्यूअर ने कमेंट किया था, तो आप ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। ये कमेंट आया था तो इन्होंने 65 गज ज़मीन खरीदी है। 65 गज, तो 65 गज अर्थात इसका मतलब है कि 65 वर्ग गज ज़मीन खरीदी है। 65 वर्ग गज, देखिए प्राय हम ज़मीन वर्ग फुट में या वर्ग गज में ही खरीदते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं कि गज खरीदी है। तो इस प्रकार इन्होंने 65 वर्ग गज ज़मीन खरीदी है। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो ज़मीन है उसकी चौड़ाई कितनी है, जो एक प्लॉट है उसका जो गहराई है वो 45 फुट है। तो अब इनका पूछने का मतलब है कि इनका जो फ्रंट है वो कितना होगा। तो चलिए इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग गज की। तो वर्ग गज क्या होता है, तो एक वर्ग गज जो होता है, एक वर्ग गज बराबर 9 वर्ग फीट होता है। क्या होता है, 9 वर्ग फीट, यानी कि एक गज जो होता है वो 3 फुट का होता है। तो वर्ग जब लगाएंगे अर्थात वर्ग गज बराबर वर्ग फीट में बनाएंगे तो 9 फीट बनेगा। जैसे देखिए हम आपको एक चित्र बना के दिखा रहे हैं, ये एक गज है, एक गज लंबा और एक गज चौड़ा, तो इसका जो एरिया होगा वो एक वर्ग गज होगा, एक वर्ग गज। अब इसको हम अगर फुट में बात करते हैं तो इसकी लंबाई 3 फुट होगी और चौड़ाई भी 3 फुट होगी, क्योंकि एक गज में 3 फुट होते हैं। तो अब इसका एरिया कितना होगा, तो अब इसका एरिया हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9 वर्ग गज, 9 वर्ग गज। इसका मतलब एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट हो जाएगा, यानी एक वर्ग गज में 9 वर्ग फीट होते हैं। तो उन्होंने जो ज़मीन खरीदी है वो कितनी खरीदी है, तो उन्होंने 65 वर्ग गज खरीदी है, 65 वर्ग गज। अब इसमें हम 9 का गुणा कर देंगे तो हमारे वर्ग फीट बन जाएंगे। 9 का गुणा कर देते हैं, 9 × 5 = 45, 4 × 8 = 56 और 9 × 6 = 54, 54 × 5 = 58। तो अब इनका जो 585 आया, ये आया वर्ग फुट, ये वर्ग फीट आ गया। तो जो उनकी ज़मीन है जो उन्होंने खरीदी है 65 वर्ग गज, तो इसका मतलब उन्होंने 585 वर्ग फीट ज़मीन खरीदी है। अब 585 वर्ग फीट है, तो अब ये को जो एरिया है, मान के चलिए उनका जो ये इस प्रकार का उनका प्लॉट है, पूरा रेक्टेंगल है यानी आयताकार है, तो इसमें जो है इसका एरिया कितना है, 585। अब इसकी जो गहराई है वो 45 है, तो चौड़ाई कितनी होगी, तो 45 इसका जो एरिया होगा यानी इसका जो चौड़ाई जो फ्रंट होगा इसका और इसका गुणा इतना होगा, तो इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 585 में गहराई कितनी है उसका हम दे देंगे भाग, तो 45 का भाग दे देंगे तो ये लगभग 13 फुट आ जाएगा। तो जो उन्होंने 65 गज ज़मीन खरीदी है, 45 गहराई होगी तो इसकी जो चौड़ाई कितनी होगी, 13 फुट होगी। अगर 13 फुट का अगर फ्रंट ले लिया जाए, 13 फुट का फ्रंट और 45 फुट की गहराई, ये 13 फुट का है और 45 फुट की गहराई है, तो ये ज़मीन कितनी हो जाएगी, 585 वर्ग फुट हो जाएगी। और 585 वर्ग फीट में गज बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 65 वर्ग गज बनेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है वर्ग गज को वर्ग फीट में कन्वर्ट करके हम अपनी लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो ये थी एक व्यूअर के लिए जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।